हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके टू टाइप्स के हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर, लूपिंग स्ट्रक्चर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिसीजन स्ट्रक्चर। डिसीजन स्ट्रक्चर में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इफ देन एज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। इफ देन, सबसे पहले जो स्टेटमेंट आती है वो आपकी है इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है बेटा, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड इफ। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बेटा, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट विल बी स्किप। इसका जो फ्लो चार्ट है बेटा, आपने एंट्री करवाई कंडीशन की, यदि कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट स्किप होगी। आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है आपकी इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स है इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट ब्लॉक वन, एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक टू एंड इफ। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बेटा वो इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक वन विल बी एग्जीक्यूट, इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट ब्लॉक टू विल बी एग्जीक्यूट। इसका जो फ्लो चार्ट है बेटा, यदि एंट्री करवाई अपनी कंडीशन की, यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक वन एग्जीक्यूट होगा, यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट ब्लॉक टू एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है आपकी सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केस वैल्यू, यानी मैच इज फाउंड। जब आपका मैच फाउंड होता है तो स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसका जो सिंटेक्स है, सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन केस वैल्यू वन स्टेटमेंट वन, केस वैल्यू टू स्टेटमेंट टू, केस वैल्यू एन स्टेटमेंट एन, केस एल्स एल्स स्टेटमेंट एंड से, क्या सिलेक्ट का एंड सिलेक्ट। इसके बाद इसका जो फ्लो चार्ट है, आपने एक्सप्रेशन एंट्री करवाई, जहां जहां केस वैल्यू जो आपकी मैच फाउंड होगा वहां वहां आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जहां मैच फाउंड नहीं होगा वहां आपकी डिफॉल्ट स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, आज जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे विजुअल बेसिक में वो है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप वीबी ओपन करोगे। वीबी ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले एक लेबल बॉक्स लेना है, उसके बाद आप एक टेक्स्ट बॉक्स लोगे, आपको दो कमांड बटन लेने हैं, अब इनकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। लेबल के कैप्शन में जाना है, यहां लिखना है आपको एंटर मार्क्स। और टेक्स्ट वन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या करना है बेटा, टेक्स्ट वन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आपको ब्लैंक करना है। कमांड वन के कैप्शन में जाना, यहां आप लिखोगे बेटा फाइंड ग्रेड। कमांड टू के कैप्शन में जाना, यहां आप करोगे एक्सिट। अब आपको कोडिंग लिखनी है, इसके लिए आप फाइंड ग्रेड पे डबल क्लिक करोगे, आप कमांड वन के क्लिक इवेंट पे कोडिंग डाल रहे बेटा। सबसे पहले आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इन इन मार्क्स एज इंटीजर। अब सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करोगे दिन ग्रेड एज थ्री। अब आपका मार्क्स इसके इक्वल है, मार्क्स वेल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। इसके बाद आपका सिलेक्ट केस का सिंटेक्स स्टार्ट होता है, तो सिलेक्ट
फेस आपने कंडीशन डाली 80 to 100, तो उसमें क्या आएगी बेटा, सबसे पहले बेटा हाँ प्ले आपको स्लैब फेस मार्क्स, ठीक है, आप फेस स्टार्ट करना, फेस उसमें आएगा आपका 80 to 100। अब आपकी ग्रेड आएगी ए, फिर से अपने केस काट के अब आएगा आपका 60 to 70। ग्रेड आएगी आपकी बी, ठीक है। फिर केस स्टार्ट किया हमने, अब हम करेंगे 50 to 49। ठीक है, उसके अंदर आपकी ग्रेड आएगी 50 to 59। उसके अंदर आप ग्रेड डालोगे सी, ठीक है। फिर आपने केस स्टार्ट किया, इसमें आप करोगे 40 to 49। ठीक है, इसमें आपकी ग्रेड आएगी बी। क्या करोगे, केस 0 to 59। अब आपकी ग्रेड आएगी ई। अब आपको पेन सिलेक्ट करना, ठीक है। आपको मैसेज बॉक्स में मैसेज बॉक्स वेट इज राइट क्लिक करना, हाइड करना, आप एग्जिट की कोडिंग डालोगे, इसमें आपने लिखा राइट क्लिक करना, हाइड करना, रन पे क्लिक करना, स्टार्ट पे क्लिक करना। अब देखो मैंने यहाँ डाला 70 में आपने यहाँ फाइंड ग्रेड पे क्लिक किया, तो आपकी ग्रेड इज बी, ओके। अब यहाँ मैंने डाला 80, तो ग्रेड इज ए, ठीक है। मैंने यहाँ डाला 50, ग्रेड इज सी, ठीक है। यहाँ मैंने डाला 40, ग्रेड इज सी, ठीक है। और एग्जिट पे क्लिक किया तो मैं आप गई आपकी होम डिजाइनिंग विंडो पे, ठीक है बेटा। आज हमने डिस्कस किया डिसीजन स्ट्रक्चर।